ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। ठीक, शुरू करें हम फिर अगला अब नेक्स्ट चैप्टर है मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट्स इन डिमांड एंड सप्लाई। पिछले चैप्टर में केवल परफेक्ट कंपटीशन के बारे में ही पढ़ना था, बाकी वाला जो है इस साल के लिए सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किस तरह से बाजार का संतुलन होता है। ठीक, फिर और मांग और आपूर्ति में शिफ्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा, मांग और आपूर्ति में खिसकाव का बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सी देखेंगे। ठीक है, तो पहली चीज है मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, बाजार संतुलन क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब जहाँ पे कुछ इक्वल रहे। ठीक है, पहले से हम लोग बहुत बार पढ़ते आ रहे हैं इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा था क्योंकि वो खत्म हो गया था, मतलब अपने सिलेबस से हटा दिया गया इस साल। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़े थे ना, उसमें पढ़े थे व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी सेक्रीफाइज बाय द कंज्यूमर एंड मार्जिनल यूटिलिटी ड्रान बाय द कंसम्पशन ऑफ द कमोडिटी इज इक्वल देन देयर इज इक्विलिब्रियम। मतलब कि जहाँ पे कुछ ना कुछ बराबर हो तब इक्विलिब्रियम होता है। अब मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या चीज़ बराबर होगी, मार्केट इक्विलिब्रियम इज दैट सिचुएशन व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एनी गुड एंड क्वांटिटी सप्लाइड फॉर द गुड बोथ आर इक्वल। ये बाजार संतुलन क्या है, संतुलन का मतलब जहाँ पे कोई चीज बराबर हो। तो बाजार संतुलन वह स्थिति है जहां पर किसी वस्तु की बाजार मांग और बाजार आपूर्ति दोनों बराबर हो। ठीक है, मींस व्हेन मार्केट सप्लाई एंड मार्केट डिमांड बोथ आर इक्वल। जब बाजार की आपूर्ति और बाजार का मांग दोनों बराबर है, वही स्थिति है संतुलन की, मार्केट इक्विलिब्रियम की। मींस इन दिस सिचुएशन नीदर द देयर इज एनी एक्सेस डिमांड नॉर एक्सेस सप्लाई। ऐसी स्थिति में ना तो मांग आपूर्ति से ज्यादा होती है, ना ही आपूर्ति मांग से ज्यादा होती है, ना तो अधिमांग की समस्या होती है, ना ही अधिक आपूर्ति की समस्या होती है। ऐसी स्थिति कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों लोग खुश हैं, जितना जो सप्लाई करना चाहता है वो बिक रहा है और कंज्यूमर को जितना खरीदना है वो मिल रहा है मार्केट में। ठीक है, सो एट दिस टाइम वॉट एवर प्राइस इज प्रिवेलिंग इन द मार्केट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द क्वांटिटी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब ये जो स्थिति होती है जहाँ पे बाजार मांग और बाजार आपूर्ति दोनों बराबर होती है, ऐसी स्थिति में जो भी बाजार की कीमत है वो संतुलित कीमत कहलाती है और जो भी मात्रा है वो संतुलित मात्रा कहलाती है। ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस ऑन x एक्सिस क्वांटिटी इज गिवन ऑन y एक्सिस प्राइस इज गिवन। जब डिमांड और सप्लाई का बनाते हैं तो ऐसे ही करते हैं, x पे x अक्ष पर मांग लिखे रहते हैं और मतलब मात्रा लिखे रहते हैं और y अक्ष पर क्या लिखते हैं, कीमत लिखे रहते हैं। ठीक है, सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आपूर्ति वक्र जो है बाएं से दाएं ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, एंड डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द डिमांड कर्व है, मांग वक्र है, वो नीचे की तरफ जाता है बाएं से दाएं। सो द पॉइंट वेयर बोथ आर इक्वल ऑन दिस ग्राफ, ई लिख दिया इस जगह पे जहाँ पे दोनों इक्वल हैं, जहाँ पे दोनों इक्वल हैं द क्वांटिटी एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इस बिंदु पर जो भी मात्रा होगी, माइक सब लोग ऑफ रखो,
अंशु माइक मत ऑन किया करो। तो इस पॉइंट पर जो भी मात्रा है वो होगी क्या, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, एंड द प्राइस एट दिस पॉइंट विल बी इक्विलिब्रियम प्राइस। इस बिंदु पर जो भी मात्रा है वो होगी संतुलित मात्रा, और जो भी कीमत है इस बिंदु पर वो होगी संतुलित कीमत। ठीक है, और ये हो गया संतुलन का स्तर, मतलब जहां पे बाजार में सब कुछ संतुलित पे है, इक्वल है। सो इक्विलिब्रियम प्राइस मींस द प्राइस विच क्लियर्स द मार्केट मींस वेयर द डिमांड फॉर द कमोडिटी एंड सप्लाई फॉर द कमोडिटी बोथ आर इक्वल। संतुलित कीमत का मतलब वह कीमत जिस पे बाजार जो है क्लियर हो जाए, यानी कि ना तो ज्यादा मांग बचे ना ही ज्यादा सप्लाई रहे, मांग और आपूर्ति दोनों बराबर रहे। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मींस द क्वांटिटी दैट लीव्स नो एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का मतलब ऐसी मात्रा जिससे बाजार में ना तो अधिक मांग हो ना अधिक आपूर्ति हो, वो हो गई। ठीक है, और मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है, वो स्थिति है जब ये बनेगा, वो मार्केट इक्विलिब्रियम है। अब डिटर्मिनेशन कैसे, इसका निर्धारण हो, हाउ कैन वी डिटरमाइन द मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता के समय, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किस तरह से बाजार का संतुलन निर्धारित होगा। ठीक है, सो फर्स्ट वी शुड नो अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई, मांग का नियम और आपूर्ति का नियम, ये हमको पता होना चाहिए, हमने पहले पढ़ लिया था। ठीक है, दीज टू मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई दीज आर द फोर्सेस विच डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम, द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन द मार्केट, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, जो बाजार मांग है बाजार आपूर्ति है, यही दोनों चीजें जो है क्या निर्धारित करती हैं, बाजार में संतुलन का निर्धारण करती हैं। संतुलन कीमत क्या होगी, संतुलन मात्रा क्या होगी, बाजार मांग और बाजार आपूर्ति से निर्धारित किया जाता है। तो इसकी कुछ जो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई पढ़े थे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई द सप्लाई ऑफ एनी कमोडिटी मींस क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ एनी कमोडिटी विल इंक्रीज विद राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो आपूर्ति का नियम था उसके अनुसार किसी भी वस्तु की आपूर्ति बढ़ेगी, यानी आपूर्ति की मात्रा बढ़ेगी, आपूर्ति की मात्रा बढ़ेगी यदि उसकी कीमत बढ़ रही है, एंड वाइस वर्सा मींस इसका जो अपोजिट है वो उससे भी होगा। इफ प्राइस फॉल्स ऑन कौन द प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी फॉल्स देन देयर विल बी फॉल इन द सप्लाई, अगर वस्तु की खुद की कीमत घटेगी तो आपूर्ति भी घटेगी। ठीक है, अब लॉ ऑफ डिमांड वाली बात है। ठीक है, कौन बार बार माइक ऑन करता है। लॉ ऑफ डिमांड में क्या कहा था, द डिमांड फॉर एनी कमोडिटी मींस द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एनी कमोडिटी विल फॉल विद राइज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड वाइस वर्सा मींस व्हेन द प्राइस फॉल द क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज। किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा उसकी कीमत में विपरीत संबंध होता है, अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांगी गई मात्रा घटेगी, और कीमत घटेगी तो मांगी गई मात्रा बढ़ेगी। जो सप्लाई कर्व जो दिखाता है अपोजिट रिलेशन, सप्लाई सब हो सब डिमांड कर्व दिखाता है अपोजिट रिलेशन, सप्लाई कर्व तो डायरेक्ट रिलेशन दिखाता है, प्रत्यक्ष संबंध दिखाता है। तो डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिमांड कर्व जो है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर जा रही है, और सप्लाई कर्व जो है वो बाएं से दाएं ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, सो लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई बोथ शुड ऑपरेट टू डिटरमाइन द मार्केट इक्विलिब्रियम, बाजार के संतुलन का निर्धारण करते समय ये आपूर्ति का नियम और ये दूसरा जो है मांग का नियम दोनों चलने चाहिए, दोनों लागू होने चाहिए। सो सी इन दिस टेबल क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एनी गुड नेम्ड एक्स एंड क्वांटिटी सप्लाइड फॉर दैट गुड इज गिवन। एक वस्तु है जिसका नाम एक्स दिया है
उसकी मांगी गई मात्रा और पूर्ति की गई मात्रा दोनों दिखाया गया है इस टेबल में, सारणी में। सो ऑन इन फर्स्ट कॉलम प्राइस इलास्टिसिटी, सॉरी प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज गिवन, पहले कॉलम में कीमत दी गई है। इन सेकेंड कॉलम क्वांटिटी सप्लाइड इज गिवन। इन थर्ड कॉलम क्वांटिटी डिमांडेड इज गिवन। दूसरे कॉलम में क्या है, आपूर्ति की मात्रा है। तीसरे कॉलम में दिया है मांगी गई मात्रा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा, जहाँ पे मांग और आपूर्ति दोनों बराबर है। तो सबसे पहला हम देखते हैं, जब कीमत 5 रुपये है, व्हेन प्राइस इज हाई क्वांटिटी डिमांडेड विल बी लो। कीमत ज़्यादा है तो मांगी गई मात्रा कम होगी, बट क्वांटिटी सप्लाइड विल बी हाई, आपूर्ति की गई मात्रा ज़्यादा होगी। एट ₹5 पर यूनिट द प्रोड्यूसर आर रेडी टू सप्लाई 50 dozens ऑफ द कमोडिटी एक्स। जब 5 रुपये प्रति इकाई है तो उत्पादक 50 दर्जन मात्रा एक्स वस्तु की आपूर्ति करने के लिए तैयार हैं, बट प्राइस इज वेरी हाई, द कंज्यूमर्स आर नॉट रेडी टू बाई 50 dozens, दे आर रेडी टू बाई ओनली 10 dozens। उपभोक्ता है, उपभोक्ता के लिए तो बहुत महंगा पड़ रहा है, महंगा सौदा है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो इतनी मांग नहीं कर पा रहे हैं कि सब पूरी की पूरी 50 dozen नहीं खरीदने के लिए तैयार है। 50 दर्जन नहीं खरीदेंगे, केवल 10 ही दर्जन खरीदेंगे अगर 5 रुपये कीमत रहेगी तो। फिर क्या होगा, द प्रोड्यूसर विल हैव टू रिड्यूस द प्राइस, कीमत कम करनी पड़ेगी। इफ दे वांट टू सेल ऑल द कमोडिटी देन दे विल हैव टू रिड्यूस द प्राइस। अगर प्रोड्यूसर चाहते कि उनका पूरा का पूरा माल बिक जाए, कुछ बचे ना, तो कीमत कम करनी पड़ेगी। ठीक है, अब कीमत कम होगी व्हेन प्राइस रिड्यूस टू ₹4 पर यूनिट। जब कीमत कम होगी, 4 रुपया प्रति क्विंटल हो गई, तब क्या हुआ, नाउ द क्वांटिटी सप्लाइड इज ओनली 40 dozen। अब आपूर्ति की गई मात्रा कितने है, केवल 40 दर्जन है। कम कीमत पे तो उत्पादक कम सप्लाई करेगा, आपूर्ति करेगा, तो आपूर्ति कम हो गई। बट एट लो प्राइस द कंज्यूमर विल डिमांड फॉर मोर, कीमत कम होने से उपभोक्ता जो है ज़्यादा मांग करेंगे। सो द क्वांटिटी डिमांडेड इज इंक्रीज टू 20 units, 20 dozens। अब जो क्वांटिटी डिमांडेड है, मांगी गई मात्रा है, बढ़ के 20 दर्जन हो गई है। ठीक है, अभी भी समस्या है, यहाँ से 40 दर्जन बेचने के तैयार है, खरीदने वाले 20 दर्जन ही खरीदना चाहते हैं, अभी भी 20 दर्जन कैसे बिके, फिर कीमत कम होगी। ठीक है, ये कम होती रहेगी। तो व्हेन प्राइस इज ₹3 पर यूनिट, देन क्वांटिटी सप्लाइड एंड क्वांटिटी डिमांडेड बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं। जब 3 रुपया प्रति इकाई है तो 30 दर्जन खरीदने के वाले भी हैं, 30 दर्जन बेचने वाले भी मात्रा है, दोनों बराबर हैं। सो एट दिस पॉइंट व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स इज ₹3 पर यूनिट, देन द मार्केट इज एट इक्विलिब्रियम। जब 3 रुपया कीमत है तब बाजार संतुलन में है। अब क्या होगा अगर कीमत और कम कर दी जाए तो, व्हेन प्राइस इज ₹2 पर यूनिट, देन द प्रोड्यूसर्स सप्लायर्स फार्म्स आर रेडी टू सप्लाई ओनली 20 units। जब 2 रुपया प्रति इकाई कर दी है कीमत, जो उत्पादक हैं, जो फर्में हैं, जो विक्रेता हैं, केवल 20 दर्जन ही सप्लाई करना चाहते हैं, बट द कंज्यूमर्स वांट टू बाय 40 dozens, लेकिन जो उपभोक्ता हैं वो 40 दर्जन खरीदना चाहते हैं। ठीक है, अब तो मांग बढ़ गई है, आपूर्ति कम है। ठीक है, तो यहाँ पे संतुलन नहीं बनेगा। ये कौन सी स्थिति है, एक्सेस डिमांड, यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, अधिमांग की स्थिति है। ऊपर कौन सी थी, एक्सेस सप्लाई, सप्लाई अधिक थी यहाँ पे। एंड व्हेन प्राइस इज ₹1 पर यूनिट, क्वांटिटी सप्लाइड इज 10 dozen एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज 50 dozen। जब कीमत है 1 रुपया तब आपूर्ति की मात्रा 10 दर्जन और मांग की मात्रा 50 दर्जन। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इक्विलिब्रियम नहीं बनेगा। ठीक है, जब डिमांड ज़्यादा होगी तो प्रोड्यूसर सोचेंगे कि हमारे पास, हम तो 20 दर्जन ही सेल करने के लिए तैयार हैं, लोग 40 दर्जन मांग रहे हैं,
तो क्या करेंगे, सोचेंगे चलो कीमत बढ़ा दो 20 दर्जन तो हमारा बढ़ ही जाए, बिक ही जाएगा जब 40 दर्जन मांग रहे हैं, ऐसे सोचेंगे ना। सो व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस टू ₹3 पर यूनिट फ्रॉम ₹2 पर यूनिट, देन द डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड विच फॉल। अगर उत्पादक 2 रुपये प्रति इकाई से कीमत बढ़ा के 3 रुपये प्रति इकाई कर देंगे तो क्या होगा, मांग की मात्रा कम होकर 30 दर्जन हो जाएगी और सप्लाई बढ़ जाएगी। सप्लाई ज़्यादा कीमत पे बढ़ जाती है ना, कीमत 2 रुपये से 3 रुपये हुई तो आपूर्ति की मात्रा बढ़ गई, ऐसे होगा, फिर अपने आप इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। देखो अब ये ग्राफ, प्राइस दिया है वाई एक्सिस पे, ऑन वाई एक्सिस प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज गिवेन एंड ऑन एक्स एक्सिस क्वांटिटी इन डोजन ऑफ द कमोडिटी इज गिवेन। वाई एक्सिस पे वस्तु की कीमत दी है, एक्स अक्ष पे क्या है, वस्तु की मात्रा दर्जनों में दी है इकाई में। सो दिस लाइट ब्लू कलर इज डिमांड कर्व एंड डार्क ब्लू कलर कर्व इज सप्लाई कर्व। जो हल्के नीले रंग की है वो मांग वक्र है, जो गहरे नीले रंग की क्या है वो आपूर्ति वक्र है। सो व्हेन प्राइस इज ₹5 पर यूनिट, जब 5 रुपये प्रति इकाई की कीमत है, देन सप्लाई इज अप टू बी मीन्स 50 यूनिट्स। सप्लाई जो है 20 बी तक है पहुंच रही है जब कीमत 5 रुपया है, यानी कि 50 दर्जन की आपूर्ति है। बट डिमांड इज ओनली 10 डोजन, डिमांड कितनी है, केवल 10 दर्जन है। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, क्वांटिटी सप्लाइड एंड क्वांटिटी डिमांडेड, मांगी गई मात्रा और पूर्ति की गई मात्रा के बीच में अंतर है जो हरे रंग से दिख रहा है बीच में। तो अब क्या होगा, द प्रोड्यूसर विल रिड्यूस द प्राइस ऑफ द कमोडिटी सो दैट दे कैन क्लियर देयर स्टॉक। अब उत्पादक अपना स्टॉक क्लियर करने के लिए कीमत कम करेंगे, ठीक है। तो आप कीमत कम करने हो पर क्या होता है, व्हेन प्राइस फॉल्स क्वांटिटी देयर, व्हेन प्राइस फॉल्स देन देयर इज कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई एंड एक्सटेंशन इन डिमांड। अगर कीमत कम होगी तो आपूर्ति में संकुचन होगा और मांग में विस्तार होगा, ठीक है। आपूर्ति में संकुचन होने का मतलब क्या है, देयर विल बी डाउनवर्ड मूवमेंट ऑन एस कर्व, सप्लाई कर्व, जो सप्लाई कर्व है उस पे नीचे की तरफ चलन होगा, एंड देयर विल बी डाउनवर्ड मूवमेंट ऑल्सो इन डिमांड कर्व, मांग वक्र में भी नीचे की तरफ चलन होगा। लेकिन मांग वक्र में मात्रा बढ़ रही है और आपूर्ति वक्र में मात्रा घट रही है, ठीक है। सो व्हेन दीज बोथ मीन डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व बोथ इंटरसेक्ट ईच अदर एट दैट पॉइंट, व्हाट एवर प्राइस इज गिवेन दैट विल बी इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम प्राइस, एंड व्हाट एवर क्वांटिटी इज गिवेन दैट विल बी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब ये जब कीमत लगातार घटते रहेगी तो जब आपूर्ति वक्र और मांग वक्र दोनों आपस में एक दूसरे को काटेगा, उसी जगह पे क्या होगा, संतुलन स्थापित हो जाएगा। यहाँ पर जो भी कीमत है वो संतुलन कीमत हो जाएगी या संतुलित कीमत हो जाएगी, और जो भी मात्रा है वो संतुलित मात्रा हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही चलेगा। अब बाय चांस दूसरी सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, मीन्स शॉर्टेज ऑफ सप्लाई इन द मार्केट, बाजार में आपूर्ति की कमी है, ठीक है, आपूर्ति की कमी है, यानी जो भी प्रोडक्ट लोग खरीदना चाहते हैं उसकी शॉर्टेज है, मांग ज्यादा एक्सेस डिमांड है, तब क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा, व्हेन प्राइसेस ₹2 पर यूनिट क्वांटिटी डिमांडेड इज 40 डोजन, जब कीमत है 2 रुपया प्रति इकाई तो मांगी गई मात्रा कितनी हो रही, 40 दर्जन हो रही है, बट क्वांटिटी सप्लाइड इज ओनली 20 डोजन, लेकिन आपूर्ति की मात्रा केवल 20 दर्जन ही है। सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी, सी और डी जो पॉइंट बने उनमें अंतर है, ठीक है। क्वांट
there is shortage of 40 dozen in the market supply, बाजार की आपूर्ति में 20 दर्जन की क्या है आपूर्ति कमी है, शॉर्टेज है। अब प्रोड्यूसर क्या करेंगे, कीमत बढ़ाना शुरू करेंगे, शॉर्टेज है उनका सामान तो पहले से बिक रहा है, क्या दिक्कत है, कीमत बढ़ाए देंगे। ठीक है, कीमत बढ़ाएंगे, जिसको खरीदना होगा खरीदेंगे। तो व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस फ्रॉम ₹2 to ₹3, जैसे ही कीमत बढ़ेगी तो क्या होगा, देयर विल बी एक्सटेंशन इन सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। अब उल्टा हो जाएगा, आपूर्ति में विस्तार होगा और मांग में संकुचन, मांग वक्र पर ऊपर की तरफ चलन, आपूर्ति वक्र पर भी ऊपर की तरफ चलन। देयर विल बी अपवर्ड मूवमेंट इन बोथ सप्लाई कर एंड डिमांड कर, एंड व्हेन अगेन बोथ ऑफ दीज इंटरसेक्ट ईच अदर, फिर से जब होगा, जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, काटेंगी, फिर क्या होगा, देन अगेन इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड, मार्केट में फिर से जो है संतुलन स्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये चलता रहेगा, जरा सी कीमत कम हुई या ज्यादा हुई तो अपने आप ही कीमत घटनी बढ़नी शुरू हो जाएगी, जिससे कि मार्केट डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल हो जाए। ठीक है, एक्सेस सप्लाई में क्या होगा ये बता दिया है, एक्सेस डिमांड भी क्या होगा ये भी बता दिया है। तो एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन मींस व्हेन द क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन क्वांटिटी डिमांडेड, जब आपूर्ति की गई मात्रा मांगी गई मात्रा से ज्यादा होती है तो उसे बोलते हैं सप्लाई अधिक या अधिक सप्लाई, अधिक आपूर्ति, आपूर्ति अधिक के बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल फॉल, वस्तु की कीमतें गिरेंगी। ठीक है, देन सप्लाई विल कॉन्ट्रैक्ट एंड डिमांड विल एक्सटेंस, सप्लाई जो है वो घटेगी, संकुचित होगी और मांग में विस्तार होगा, फिर जहां पे इक्वल होंगे फिर इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, वहीं पे प्राइस जो है एस्टैब्लिश हो जाएगा। एक्सेस डिमांड इज द सिचुएशन व्हेन डिमांड फॉर द कमोडिटी इज मोर देन इट्स सप्लाई, जब किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा उसकी आपूर्ति से ज्यादा होती है तो उसे अधिमांग की स्थिति बोलते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा, द प्रोड्यूसर विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, द सप्लायर विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो भी आपूर्ति करते हैं वो वस्तु की कीमत बढ़ाने लगेंगे, फिर क्या होगा, द डिमांड फॉर द कमोडिटी विल कॉन्ट्रैक्ट एंड सप्लाई फॉर द कमोडिटी विल एक्सटेंड, वस्तु की मांग में संकुचन होगा और पूर्ति में विस्तार होगा। अगेन व्हेन बोथ आर इक्वल द मार्केट विल बी एस्टैब्लिश्ड, जैसे ही दोनों बराबर हो जाएंगे फिर से तो बाजार में संतुलन अपने आप स्थापित हो जाएगा। अब इस ये जो हमने लॉ पढ़ा है, दोनी ये जो थ्योरी पढ़ी है मार्केट इक्विलिब्रियम की, इसकी मान्यताएं क्या हैं, 3 बेसिक असम्पशंस ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बाजार संतुलन की 3 मुख्य या 3 आधारभूत मान्यताएं मीन्स शर्तें, ये हमको अज्यूम करके चलना पड़ेगा, मान के चलना पड़ेगा, ये सारी बातें लागू होगी तभी मार्केट इक्विलिब्रियम अपने आप बनेगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने कह दिया 50 रुपये से ज़्यादा का नहीं बेचना है, 10 रुपये से कम का नहीं बेचना है, फिर कैसे फिर मार्केट इक्विलिब्रियम बनेगा। ठीक है, मतलब फिर अपने आप नहीं बनेगा, फिर गवर्नमेंट अगर ऐसा बोल दिया है, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया प्राइस की 25 रुपये पर केजी बेचना है, तो फिर अपने आप थोड़ा नहीं बनेगा। तो इस सब कौन कौन से इसकी मान्यताएँ हैं, फर्स्ट प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर पॉजिटिवली रिलेटेड, मीन्स लॉ ऑफ सप्लाइज होल्ड्स गुड, पहली जो मान्यता है वस्तु की कीमत और आपूर्ति की मात्रा दोनों धनात्मक रूप से संबंधित हैं, यानी डायरेक्ट रिलेशन है दोनों में, यानी कि जो आपूर्ति का नियम है वो लागू हो रहा है। सेकेंड, द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर निगेटिवली रिलेटेड, मीन्स लॉ ऑफ डिमांड होल्ड्स गुड, आप ये जो कीमत है वस्तु की कीमत और उसकी मांगी हुई मात्रा एक दूसरे से
निगेटिवली मतलब ऋणात्मक रूप से संबंधित है, मीन्स जो मांग का नियम है वो लागू होना चाहिए। ठीक है, अगर कीमत बढ़ती है तो मांगी गई मात्रा कम होनी चाहिए, और कीमत घटती है तो मांगी गई मात्रा बढ़नी चाहिए। थर्ड, फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ऑपरेट फ्रीली विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मांग और आपूर्ति की जो शक्तियां हैं बिना किसी सरकार के हस्तक्षेप के चलनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने कह दिया कि इतने से ज़्यादा सामान बिकने के लिए नहीं आएगा, इंपोर्ट नहीं करेंगे इससे ज़्यादा, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे इससे ज़्यादा, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। However, decisions taken by the consumers and producer in market coordinated। ये तो सबको पता है, कीमत बढ़ेगी तब क्या करेंगे और कीमत घटेगी क्या करेंगे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। ठीक है, हाउ, सेकेंड क्वेश्चन, हाउ इज मार्केट इक्विलिब्रियम रिस्टोर्ड व्हेन देयर इज एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट। ये भी अभी हमने बता दिया, एक्सेस सप्लाई है तो कीमत कम होना शुरू हो जाएगी, फिर एक्सटेंशन इन डिमांड, कॉन्ट्रेक्शन इन सप्लाई होगा, जहाँ फिर से बराबर हुए दोनों वहीं पे इक्विलिब्रियम अपने आप इस्टेब्लिश हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, हाउ इज मार्केट इक्विलिब्रियम रिस्टोर्ड व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड इन द मार्केट। अगर बाजार में अधिमांग की समस्या है तो फिर कैसे बाजार में संतुलन स्थापित होगा। बाजार में मांग ज़्यादा है, अगर सप्लाई 10 यूनिट है, मांग है 20 यूनिट, तो कोई भी प्रोड्यूसर क्या करेगा, कहेगा कि हमको ज़्यादा पैसा दो तो हम तुम्हें देंगे, यानी कीमत बढ़ाएगा। ठीक है, कीमत बढ़ेगी तो क्या होगा, एक्सटेंशन इन सप्लाई एंड कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड, फिर जब जहाँ पे दोनों इक्वल होंगे वहीं पे बन जाएगा अपना संतुलन। ठीक है, अब ये इसके बाद शिफ्ट मीन्स चेंज इन डिमांड एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। चेंज इन डिमांड तो सबने पढ़ा होगा ना, जिसमें पूरी की पूरी कर्व बदल जाती है, डिमांड कर्व बदल जाती है। ठीक है, अच्छा अभी ये